राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर रविवार दोपहर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक परिवार के 3 सदस्य बाल बाल बच गए। चालक को आंशिक चोटें आई हैं। पैरापिट को तोड़ते हुए कार एक निजी होटल की पार्किंग में गिरकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरने से कार का अगला हिस्सा और एक साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों को लगा कि कार सवारों को गंभीर चोटें आई होंगी, लेकिन जब कार सवार दंपत्ति और उनका बच्चा सुरक्षित बाहर निकले तो हर कोई ये कह रहा था कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दुर्घटना देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और बचाव कार्य शुरू किया। जी, मेरा नाम मनोज है। ये हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ करीब 2 बजे के आसपास का। मैं अपने काम से छोटा शिमला की साइड जा रहा था तो ये भाई साहब थे गाड़ी में, ये सामने से आए और शायद ओवर स्पीड में थे और गाड़ी उनसे कंट्रोल से बाहर हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में? करीब 3 लोग सवार थे, एक लेडी एक जेंट्स और एक बच्चा। तो सारे सेफ है? जी बिल्कुल सर। सिरमौर जिले में जनमंच एक कार्यक्रम जामुकोटी पंचायत में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता